जैसा कि दोस्तों प्रीवियस टू पार्ट में हमने हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल से जाना, और हाइपर सेंसिटिविटी जैसा कि हम जानते हैं कि 5 टाइप के होते हैं, लेकिन इन 5 टाइप को याद करने में बड़ा डाउट होता है और एग्ज़ाम में हम इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो जाते हैं। होता क्या है कि हमें फर्स्ट का सेकंड या थर्ड का फोर्थ कुछ इस तरह से याद होता है, और हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा ट्रिक जिससे कि आप कभी भी हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से और एकदम सही करके आएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वह कुल 5 टाइप की होती है, तो इन 5 टाइप के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, ताकि जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है उनको वो पता हो कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, यानी कि किस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी में कौन कौन से कंडीशन होते हैं, जिससे कि आगे उन्हें इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप इन 5ों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो मैं उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। तो टाइप 1 को हम एलर्जिक या फिर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर जितने भी फॉरेन मटेरियल है या फिर कोई भी ऐसा एंटीजन है जिसके प्रति तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत हमें रिएक्शन दिखाई देता है, रिस्पॉन्स तुरंत दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो हाइपर सेंसिटिविटी है वह कहलाता है इमीडिएट, ठीक है। जैसे कि एलर्जी में क्या होता है कि आपका शरीर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो सेल के सरफेस से जुड़कर सेल को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। अगला है टाइप 3, जिसे हम इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो कोगुलेट होकर किसी ऑर्गन में जमा होने लगते हैं और उस जगह पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देने लगते हैं, जिससे कि वो टिश्यू या फिर जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। टाइप 4 है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें जो डैमेज होता है वो 2 से 3 दिन बाद होता है। और टाइप 5 है रिसेप्टर मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं तो जो रिसेप्टर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इन 5ों के बारे में समझने के बाद आप नीचे एक ट्रिक देख सकते हैं, ट्रिक है एसिड R। तो आप उनके नीचे देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। तो एसिड का जो पहला अक्षर है A, तो A का मतलब है एलर्जी, और एलर्जी किससे जुड़ा हुआ है, टाइप 1 से। एसिड का जो सी है वो है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि टाइप 2 से जुड़ा हुआ है। वहीं एसिड का आई जो है, तो आई का मतलब है इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये किससे रिलेटेड है, टाइप 3 से। एसिड का जो डी है, डी का मतलब है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये किससे रिलेटेड है, टाइप 4 से। एसिड के बाद है आर, आर का मतलब है रिसेप्टर मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये 5th टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो टाइप 1 में है एलर्जिक यानी कि ए, टाइप 2 में है साइटोटॉक्सिक यानी कि सी, टाइप 3 है इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि टाइप 3, टाइप 4 में है डी, डी का मतलब है डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 5 में जो है वो है आर यानी कि रिसेप्टर मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको आज का ये जो ट्रिक है वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्रिक अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो इंटरेस्टिंग वीडियो है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।